हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुछे। फ्रेंड्स, आम यूट्यूब चैनल तरफ रु आपण मानको एवं आपणक परिवारर समस्त सदस्य मानको एही नुवा वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, नुवा वर्ष समस्तक पई महत्वपूर्ण दिनटी होई थाई, एणु समस्त व्यक्ति मानकर मनरे एही नुवा वर्ष को नै अनेक उत्साह भरी रही थाए एवं समस्त मनरे एक नूतन आरंभर इच्छा भरी रही थाए। फ्रेंड्स, आपण माने अनेक लोकंक ठारु एहा सुनिथिबे कि जे नुवा वर्षर प्रथम दिनटी आनंदमय होइथिले सारा वर्षटी आनंदमय होइथाए। जदि वर्षर प्रथम दिनटी खराब भाबरे जाइथाए तबे सारा वर्ष खराब रे जाइथाए। एही कथाटी केते जे सत ओ केते मिछ एहा अलगा कथा। जदि आमे एही कथाटी को माने नुवा वर्षर प्रथम दिनटी को एही पावरि भाबरे पालन करिबा जहा द्वारा कि सारा वर्षटी आपण मानक पई धन एवं सुख शांति भरि देबो एवं सारा वर्षटी को सुखमय करिबा पई आम मानकु गोटे दिन परिश्रम करिबाकु हि पड़िबो। एणु आज आम जानिबा एपरी किछि महत्वपूर्ण कथा विषय जहाकु नुवा वर्ष दिन करिबा द्वारा सारा वर्षटी आमर सुख शांति रे कटिथाय। फ्रेंड्स, समस्त मनरे एही इच्छा भरी थाए कि आमर घरे केबे भी धनर अभाव देखा न देउ, घर को केबे भी दुख दुर्दशा एवं अशांति न आसु। एणु धनर आकर्षण पई आमको किछि करिबाकु पड़ी थाए जहाद्वारा कि माँ लक्ष्मी आम मानकर घर को टाणी होइ आसी पारिबे। कारण आपण माने एहा जानंती जे जेउं घरे माँ लक्ष्मीकर बास होइ थाए सेही घरे केबे भी धन सुख शांतिर अभाव देखिबाकु मिलि नथाए। किंतु माँ लक्ष्मी केवल सेही घर को टाणी होइ आसी थांती जेउं घर सफा सुतरा रहिबा सह घरटी महकपूर्ण होइ थाए। एणु आपण माने एही नुवा वर्ष दिन सकाळु सकाळु उठी आपणकर घर एवं कार्यस्थल को सफा करि दियंतु एवं घरे केउठी भी पड़िकि रहिथिबा भंगारुजा जिनिस को बाहर को बाहर करि दियंतु, जेपरिकि भंगा खट, टेबल, डब्बा, लुहा, प्लास्टिक, काच, प्लेट, आईना, कप, सोफा एहिपरि भंगा रुजा जिनिस को बाहर करि दियंतु एवं एहा सहित घरे थिबा इलेक्ट्रोनिक जिनिस जेपरि कि टीवी, घंटा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एहिपरि सबु जिनिस को मध्य घर बाहर करि दियंतु। ता सहित आपण घर को सुवासित जल द्वारा किंबा धूप दीप द्वारा घरर वातावरण को सुवासित करि दियंतु एवं घर को गोमूत्र किंबा गोमय सहित किछि लूण एवं किछि फिटकरी मिसाई घर को भल भाबरे लिपापोछा करि दियंतु एवं एहा द्वारा घर सफा सुतरा हेबा सहित घर को सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करि थांती। एहा सहित घरे थिबा समस्त प्रकारर वास्तु दोष मान दूर होइथाय एवं एहा द्वारा घरे धन एवं सुख समृद्धि वृद्धि होइथाय। एहाकु केवल गोटे दिन न करि यदि वर्ष सारा पालन करंती तेबे अनेक प्रकारर शुभ फल मिलिथाय। एहा द्वारा आपण मध्य स्वच्छ एवं निरोगी होइ पारिबे। आपण मध्य घरे अतर व्यवहार करिबा सहित निज शरीर रे एवं निज वस्त्र रे अतर व्यवहार करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपण निजे ही जानि पारिबे कि विगत दिन एवं नुवा वर्षटी आपणक पई किपरि रहिबो। एहा छडा घरर चारि पाखरे गच्छ लगांतु, एहा द्वारा घरर वातावरण स्वच्छ रहिबा सह घरर चतुर्पार्श्वर वातावरण मध्य स्वच्छ एवं निर्मल रहिबो। फ्रेंड्स, नुवा वर्ष दिन एही कार्य करिबा सहित घर को केउ जिनिस आणिबा द्वारा घरे धनर वर्षा होइथाय, घरे टंका पैसार अभाव रहि नथाय, सबु अशुभ कार्य मान शुभ होइथाय, रोजगारर सबु मार्ग खोलि जाइथाय, अभाव अनटन सबु दूर होइ जाय। तेबे सेही सबु जिनिस कण होइथाय आसंतु जानि नेबा। तो फ्रेंड्स, सेही जिनिस मध्यरु सर्वप्रथम जिनिसटि हेउछि भगवान गणेशंकर मूर्ति। भगवान गणेशंकु विघ्नहारक बोली कुहाजाए, जिए सबु दुख कष्ट को दूर करिथांती। जदि आपण केउ भी समस्यारे फसी जाइछंती तेबे नुआ वर्षरे भगवान गणेशंकर मूर्ति निश्चय आणंतु। एहा द्वारा भगवान गणेश आपणकर जीवनरे सबु दुख कष्ट को दूर करिदेबे एवं आपणकु खुशी प्रदान करिबे। नुआ वर्ष दिन ही भगवान गणेशंकर मूर्ति को पूजा पाठ करंतु, देखिबे धीरे धीरे भगवान गणेश आपणकर समस्त समस्या को दूर करिदेबे। द्वितीय जिनिस हैला नड़िया।
ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିଥାଏ। ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଠି ବି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ କିଣିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଲା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଘରକୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣି ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷଟି ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ପେନ୍ସିକ୍ ଆଇଟମ୍, ଲଫିଙ୍ଗ୍ ବୁଦ୍ଧ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଥାଏ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲଫିଙ୍ଗ୍ ବୁଦ୍ଧା ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଲଫିଙ୍ଗ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଲଫିଙ୍ଗ୍ ବୁଦ୍ଧା ଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଘରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।